ना चौहान न भिलाई सुपेले समय। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे पति का नाम अंकुश चौहान है। गुरुदेव, मेरे पति की आयु 32 वर्ष है। मेरे पति को 27 फरवरी 2024 को उनके सीने में दर्द हुआ। हम लोग घबरा गए, उनको बीएम शाह हॉस्पिटल में लेकर गए। वहां पर उनको दिखाया, डॉक्टर ने कह दिया इनको 3 अटैक एक साथ आया, कहीं मिट्टी हो कहा ला सकते हैं। इनको 3 अटैक एक साथ आ गए और तुरंत इनको ऑपरेशन के लिए ले जाना पड़ेगा। अभी की अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा। लगभग लगभग इनका जो ऑपरेशन होगा वो 3 से 4 लाख रुपए खर्च होंगे। आप उसकी व्यवस्था करिए। हमने कह दिया आप इलाज चालू करो, हम आते हैं, आप इलाज चालू करो, कागज पर साइन करें। इलाज प्रारंभ हुआ, हम गए, हमारे तन पर जो गहने थे और हमारे घर में जो भी सामान था, हमने हमारे परिचित के यहां पर वो दुकान पर जाकर उसको गिरवी रख दिया। 30 मिनट में हम वापिस पैसे की जुगाड़ कर हॉस्पिटल पहुंच गए। जब हम हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर आपस में बात कर रहे थे कि इनका बीपी और हार्ट बीट 1% भी काम नहीं कर रही है, ये चलेगा। हमने हमारा पूरा गोल्ड जो भी सामान था वो गिरवी रखकर हम पहुंचे। 30 मिनट हमको लग गए थे और उतने में डॉक्टर ने कहा कि इनकी बीपी भी काम नहीं कर रहा, हार्ट बीट 1% भी काम नहीं कर रही है, ये शरीर जा चुका। हमारे पति अंकुश की डेथ हो गई है, वो मर चुके। सारे डॉक्टर आपस में बात कर रहे पर हमसे कोई बोल नहीं रहा कि हुआ क्या, हार्ट बीट काम करना बंद कर दी है। हमने बार बार डॉक्टर से पूछा कि आप बताओ हो क्या रहा, क्या हुआ, पर बताए ना। हमारे कानों में भनक लगी कि हमारे पति चले गए। हमने कहा बाबा अभी रुको, कैसे जा सकते हैं। उसी हॉस्पिटल के नीचे पर शिव जी का मंदिर था, हमें दौड़ी वहां से बेलपत्र उठाकर लाई, शंकर को तुरंत ऊपर जलाधारी में जल पड़ा था उसी को उंडेल दिया, उसी पानी को लेकर आ गई, पति को छीटा। डॉक्टर से कहा मेरा पति इतनी जल्दी मर नहीं सकता, देखो मेरे बच्चे हैं, मेरी उम्र अभी 27 वर्ष की है, मैं 27 साल में विधवा हो जाऊंगी, ये हो नहीं सकता। मैंने सियोर वाले महाराज की कथा सुनी है, मेरा विश्वास पक्का कहता है मेरा पति नहीं मर सकता। आप एक बार फिर प्रयास करो। जल छीटने पर, बेलपत्र रखने पर डॉक्टर फिर उसको एक बार चेक करने के लिए बीपी चेक करने गए तो मालूम पड़ा कि उसकी हार्ट बीट बढ़ी और बीपी ने काम करना प्रारंभ कर दिया। उसको शरीर पर 6 बार शॉट लगाए गए जिससे उसकी सांस वापिस आए। 6 बार जब सांस के लिए उसको शॉट लगाया गया तब उसकी श्वास बाहर आई और बाहर आते से फिर उसको वेंटिलेटर पर रखा, बेलपत्र उसके पास रख दी। फिर वो आईसीयू में आए तब उनकी फिर जांच चालू हुई तो बताया कि इसकी किडनी भी खराब हो गई। होश तो आ गया, मरा हुआ जिंदा तो हो गया पर किडनी भी चली गई। जब उसकी किडनी भी डैमेज हो गई तब डॉक्टर ने कहा आप इनको दूसरे हॉस्पिटल में ले जा सकते हैं। फिर हम उनको MMI हॉस्पिटल रायपुर में लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा कि इनकी नसें ब्लॉकेज है, किडनी काम नहीं कर रही है, हो सकता है कि आपको इनको फिर कहीं और ले जाना पड़े। 15 दिन डॉक्टर से कहा कि आप इनका इलाज करिए, मेरा विश्वास कहता है मेरा महादेव वापिस लेकर आया है तो इनको ऑपरेशन भी नहीं होने देगा और किडनी भी चालू होगी। तुरंत हमारे रिश्तेदारों को सीहोर भेजा, रुद्राक्ष मंगवाया, जल तांबे के कलश में लगाकर देना चालू करा, होठों पर 2-2 बूंद जल उसके लगा देते। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि हमने फिर वापिस जांच फिर प्रारंभ हुई उसी MMI हॉस्पिटल में रायपुर के और ऐसी कृपा हुई, डॉक्टर ने कह दिया अब इनकी किडनी भी काम करने लगी और इनकी कोई ब्लॉकेज नहीं है, शरीर ठीक हो चुका है, इनको ले जा सकते। ये शिव तत्व है। मेरा नाम नेहा चौहान, मैं भिलाई सुपेला से हूं। शिव तत्व, कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने आ सकती, शिव तत्व की प्राप्त। एक विश्वास हम कैसे हार, एक भरोसा हम कैसे हार। अरे भाई, शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, भोले बाबा सुन भी लो हम कहेंगे। जरा विचार करिएगा इस बेटी से सीखिए कि भरोसा किसको कहते हैं, इस बेटी से सीखो कि विश्वास किसको कहते हैं। आपने कानों से सुन लिया कि अंकुश चौहान, कानों से सुन लिया कि मेरा पति मर चुका है, पर तुरंत शिव पर भरोसा। डॉक्टर क्या, डॉक्टर ने भी कह दिया कि बनती है। तुरंत समय प्रभु वचन दिया, आए ना आए प्रभु
अनंत समय प्रभु वचन दिया कोई अंत समय प्रभु। एक विश्वास अपने भीतर जागृत को करो, एक विश्वास अपने भीतर दृढ़ को बनाओ। कौन कहता है शिव आते नहीं? ये व्यासपीठ कहती है जिस दिन दिल से पुकार लो तुम्हारे सामने खड़ा मिलेगा। कौन कहता है शिव नहीं आते? हम कहते हैं अगर विश्वास के साथ पुकारोगे, भरोसे के साथ पुकारोगे, सामने खड़ा मिलेगा। हमारा भरोसा पक्का नहीं होता ना तो भगवान नहीं आता। कौन मिलेगा? तुम्हारा विश्वास ही नहीं है तो शिव कहां से मिलेगा? भरोसा तो जोड़ो। फिर निवेदन है सारे दरवाजे पर माथा टेक कर आ जाना, सारी दुनिया में धक्के खाता रह जाना, सारी दुनिया में धक्के खा लो, सारी दुनिया में माथा टेक लो। और आखिरी में फिर जब कुछ ना प्राप्त हो तो एक बार मेरे महादेव की शरण में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे पास में, सोसाइटी में, कॉलोनी में जो शंकर का मंदिर है वहां एक लोटा जल लेकर जाना चालू कर दो। शंकर तुम्हारे पीछे पीछे आना प्रारंभ कर दे। इसके पास नहीं शिव, सर्वस्व शिव है, सर्वस्व। बस दिल से पुकारने वाला चाहिए, सामने आकर खड़ा हो। देखिए एक सुंदर सा, बैंक में पैसा जमा करने की भी लिमिट होती है। पैसे की सीमा है, उम्र की सीमा है, नौकरी की सीमा है, हर चीज की एक लिमिट एक सीमा है, पर मेरे महादेव को प्राप्त करने की कोई सीमा नहीं है। जब चाहो जब प्राप्त, कोई सीमा नहीं। मेरे शिव को प्राप्त करने की कोई सीमा नहीं, अनलिमिटेड। तुम्हारा मर्जी पड़े उतना, जब दुख हो दौड़कर चले जाओ, जब तकलीफ हो दौड़कर चले जाओ, जब कष्ट हो दौड़कर पहुंच जाओ, और केवल कष्ट के समय पर नहीं, रोज जाओ। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिक्री बनाना रोज। रोज क्यों? आप रोज अगर भगवान के मंदिर जाओगे तो तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हें भगवान के मंदिर नहीं जाना पड़ेगा। दुख की घड़ी में जिस महादेव के मंदिर में तुमने जल चढ़ाया है वो महादेव तेरे दरवाजे पर आएगा, तुझे नहीं जाना पड़ेगा, वो आएगा। और महाराज उसको बस जितना दिल से पुकार सकते हो उतना दिल से पुकारो।